सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। ये अर्जुन, तो सारे धर्म मैंने जो बताए, ये धर्म बोध कई प्रकार के धर्म बताए, वर्णन है गीता में, प्रभुपाद श्लोक को समझा रहे हैं, इनका तू छोड़ त्याग कर दे अभी और मेरी शरण में आ जा। ये शरणागति अपने अंदर सभी जागृत करो कि हे कृष्ण मैं तेरा हूं, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं। शब्द कहे हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्वरिणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये देवों के देव श्री कृष्ण, आप सब कुछ मेरे हैं, मैं आपका। बस ये शरीर चाहे पुरुष बने हैं हम या स्त्री बने हैं, ये चोला केवल इसलिए मिला है कि कृष्ण की शरणागति प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर याद रखो हम लोगों को 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, जो हमारे ध्यान में नहीं है, खो गए हैं ना दुनिया में। 84 का चक्कर बड़ा दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। अभी इस शरीर में भी बहुत कष्ट थे, विचार करो बच्चा मां के पेट में है, सर नीचे टांगे ऊपर, और सेलोथीन बैग में उसको पैक किया गया है, ना इधर हिल सकता है, ना आत्मा उसके अंदर है। अगर आत्मा उसके अंदर नहीं होगी तो बच्चा बढ़ेगा नहीं। आत्मा ही पिता के माध्यम से माँ के शरीर में प्रवेश करती है और माँ के शरीर में बच्चे को, माँ के गर्भ में बच्चे को शरीर मिलता, वो आत्मा बड़ी दुखी है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे इस गर्भ योनि से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन उस वचन को भूत जन्म लेते ही हवा लगन से हम भूल जाते हैं, तो हमें प्रभुपाद जी जैसे संत याद दिलाते हैं, भगवान खुद आते हैं हमें याद दिलाने के लिए। यदा यदा की धर्मस्य गलानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग पर्यंत युग भगवान भी आते हैं, कभी कभी ऐसे भक्तों को भेज देते हैं जैसा देश काल प्रसिद्धि है, तो हमें याद दिलाते हैं, भाई तुम कौन हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो और तेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तेरा संबंध ना शरीर से है ना इस संसार से है, तो इस बात को करने के लिए क्या करना है। आगे यहां कहा है शरणगति सदा बचाते, अगर हम भगवान की शरणागति हो जाएंगे ना, निश्चित रूप से हमारी रक्षा भगवान करेंगे। भगवान के छोटे से दास के बहुत सारे जीवन में अनुभव है, बड़ी जगहों पर रक्षा की। मैं आपको बताऊं, एक बार मुझे उग्रवादी ले गया, हम उसको प्रसाद देने लगे, उनको ले गया मारने के लिए अमेरिका में। गुरु कृपा से हम समझ गए और बड़ा, लेकिन देखो ये मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ चैतन्य चरितामृत की। सारी माताएं सारे भक्त इसको याद रखो, हम खोए हुए लोग इसे भूल जाते हैं। महाप्रभु वृंदावन आए थे, वृंदावन महाप्रभु की देन है, वृंदावन प्रकट किया, स्थान प्रकट किए, फिर छह को स्वामियों को शक्तिपान किया, जाओ अब लुप्त स्थान सब प्रकट करो वृंदावन के। 500 साल पहले कृष्ण राधा भाव में है, ये चैतन्य महाप्रभु का भाव
कृष्ण राधा भाव में है। हम कलयुग के लोगों का भाव खत्म हो गया है। क्यों? विषय विकारों में मन लगना लगे, हम विषय विकारों में लगे हैं, लगे रहने के कारण हमारा भाव समाप्त हो गया है। चाहे पुरुष लगा है, चाहे स्त्री लगी है, हमारा भाव समाप्त। तो हमें भाव की जरूरत है। भावो विद्धति देवा, भगवान केवल भाव से मिलते हैं, याद रखो। वही भाव सिखाने के लिए स्वयं भगवान आए। तो राधा भाव सर्वश्रेष्ठ भक्ति राधा रानी की है। भगवान राधा भाव लेके आए। और पहले जब राधा रानी भगवान की सेवा करती थी, उनके लिए भोजन बनाती थी, उनके लिए फूल माला बनाती थी, राधा रानी का बस एक ही काम है, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। बस भगवान सोचने लगे, भी राधा रानी मेरी सेवा में क्या आनंद लेती है, कैसे पता लगे भगवान। उन्होंने कहा, अच्छा मैं इन्हीं का भाव लेके पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। राधा भाव लेके भगवान पृथ्वी पर आए 500 साल पहले, और उनको राधा जी का भाव इतना श्रेष्ठ लगा, इतना उत्तम लगा, उन्होंने क्या किया, देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम पतितों के लिए खोल दिया। पर फिर भी हम इतने पतित हैं, हम कृष्ण प्रेम नहीं लेना चाहते, हम उनकी ठगनी माया के पीछे पड़े रहना चाहते। याद रखो, इस संसार से, इस माया से कुछ नहीं मिलेगा। तृष्णा तू ना गई मेरे मन से, हम कितना अरबों रुपये इकट्ठे कर लेंगे, हम कहेंगे खरबों कैसे होंगे, वह पूरी दुनिया का मालिक ये कभी आशा तृष्णा ना मिटे, ये नहीं जाते। तो भाव जागृत करना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, बड़े धनी व्यक्तियों का राजाओं को ही भाव जागृत हो गया। जैसे महाराजा जनक का बहुत बड़ा उदाहरण है, वो विदेही है। और कई राजाओं का, युधिष्ठिर महाराज का, परीक्षित महाराज का, कई राजाओं के, अंबरीश महाराज का बड़ा दिव्य भाव था। राजा थे, भाव से भाव से भरे हुए थे वो। तो भगवान जब राधा भाव में प्रकट हुए, बड़ा उनको अपने भाव में आनंद आ रहा, अपनी भक्ति में, अपनी भक्ति खुद कर रहे हैं भगवान। और हमें सीखना चाहिए। वर्णन आता है, अपनी अचारी प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने अचरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं, अपनी भक्ति खुद करके। याद रखो, भक्ति है सेवा, सेवा करते भक्ति श्री कृष्ण की। हमारे शब्द आते हैं ग्रंथ साहब में, भक्ति बिना संसार नहीं छूटे, गुरु है भेद बजाए। बिना भक्ति के शंका का समाधान नहीं होगा। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो शुद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हम इंद्रियों का तर्पण करते हैं तो हम शरीर के स्तर पर आगे बढ़े, अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। हमने भक्ति करके आगे बढ़ना है, भगवान का दास बनना है। तो मैं बात सुना रहा था, महाप्रभु वृंदावन से जा रहे हैं अपने कुछ भक्तों के साथ, रस्ते में भाव विभोर हो गए, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। त्रिलोकीनाथ भगवान देखो, ये जो छठभुज रूप है, महाप्रभु ने ये दिखाया था अपना रूप नित्यानंद जी को, कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही चैतन्य हूं। गिर गए तो भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ कृष्ण हैं। जब एक गिर पड़े तो भक्त उनके आगे वो जानते हैं, भगवान वाले मूर्छित हो जाते हैं। इतनी देर में, उस समय वहां पर पठानों का राज था, मुसलमान पठानों का जो राजकुमार था, वो उसका धर्मगुरु मौलवी जो भी थे, वो 5-7-10 जितने जने थे, घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे। उनकी नजर महाप्रभु पर पड़ी, जमीन पर भगवान लेटे हुए हैं। तो उन्होंने घोड़ों से उतर के, उनको ये लगा कि ये रूपवान सन्यासी, भगवान बहुत सुंदर थे, तो भगवान है ये जो खड़े हैं, इसके आगे पीछे ये ठग है, वो क्या समझे भाव को, क्या समझे।
ये ठग हैं, इन्होंने स्वरूपवान सन्यासी को धतूरा खिला के मार दिया है और हम इन सबको मार देंगे, ऐसे उनके मन में भावना, सबको बंदी बना लिया कि तुम लोगों ने इसको मार दिया। सुनने के लिए तैयार नहीं, कहते नहीं हमने मारा नहीं। कुछ घबरा गए, कुछ ने हिम्मत की, लंबी बात मैं छोटी कर रहा हूं, ये बात आप सबने याद रखनी है, भगवान के शब्द हैं, महाप्रभु के शब्द हैं। तो इतनी देर में भगवान की मूर्छा भंग हुई, कहा देखो इन्होंने आपको धतूरा खिलाया था, हमने बंदी बना दी, सबको मार देंगे हम, और आपका धन ले लिया है। भगवान उन पठानों को कहते हैं, गौर भगवान कहते हैं, अरे भाई मेरा क्या लेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सन्यासी हूं, मुझे मिर्गी की बीमारी है, क्या बताएं उनको, मुझे मिर्गी का रोग है, मैं जब मूर्छित हो जाता हूँ ये मेरी सेवा करते हो, डर गए हो सबको, सबका बंधन खोल दिए। तो भगवान ने मूर्छा जब भंग हुई, जितने मुसलमान थे सबको वैष्णव बना दिया, ये हिस्ट्री है, आज भी उनके वंशज पठान वैष्णव चले आ रहे हैं। आत्मा तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, आत्मा तो परमात्मा की है, लेकिन कर्मों से कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ। शब्द क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान किसी को रामलाल दास नाम रखा, किसी का कुछ मोल भी उसके साथ शास्त्रार्थ हुआ, उन्होंने कुरान के अनुसार भी वैष्णव धर्म आखिर में भगवान का जो है साकार रूप भी कुरान में भी बताया है, भगवान बता रहे हैं हमको। तो सब चले गए पीछे, जो कहने पर महाप्रभु तो वो डर गए थे कि हमको मार देंगे। यहां पर जो शब्द महाप्रभु ने कहे इनको याद रखो, क्या शब्द कहे उन्होंने, कहा कि क्या मैं उनके हृदय में नहीं हूं, मैं सबके हृदय में नहीं हूं। भगवान ने गीता में कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। मैं परमात्मा के रूप में हाल के हृदय में विराजमान हूं, हम सबके भी हृदय में भगवान है, याद रखो इस बात को। और अगर कोई मान लो भगवान उनको कह रहे हैं अपने पार्षदों को भक्तों को, क्या मेरी अनुमति के बिना कोई मार सकता है तुमको, हाँ अगर कोई किसी को मारने में सफल हो जाता है ना, उनकी भी अनुमति है, क्यों उनकी अनुमति है भाई, जिसको मार रहे हैं उसके भी कर्म है, उसको कर्म का फल मिलना है और मारने वाले को पाप करने का मारने का फल मिलना है, उसने पाप करना है उसको पाप कर्मों का दंड मिलना है, याद रखो इस बात को। जब तक उसकी अनुमति नहीं होना कोई किसी को नहीं मार सकता। ये जो मुझे वहां पर उग्रवादी ले गया था, बाद में प्रसिद्ध हो गया सारा, उसने मुझे प्रयास किया, गुरुदेव की कृपा से मैं डरा भी नहीं, डरपोक तो हूं पर उनकी कृपा से मैं नहीं डरा। तो फिर वो असली रूप प्रकट हुआ उसका। तो अगर भगवान नहीं चाहेंगे ना, उन्हें कोई नहीं मार सकता, ये याद रखो। अगर कोई मारने में सफल होता है तो हमारे भी पाप कर्म है, वो हमें दंड मिल रहा है उसके माध्यम से। किसी को दोष मत दो, दोष हमारे पापों का है। बीच में छोटी सी बात, प्रहलाद महाराज को जब नृसिंह भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने कहा मांगो, प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपकी भक्ति ये कोई व्यापार थोड़ा है, मैं बनिया थोड़ा हूं कि बनिए को पैसे दो दो सौदा मिलेगा, नहीं भक्ति व्यापार, भक्ति निष्काम होनी चाहिए, याद रखो प्रहलाद महाराज की कृपा से कोई कामना नहीं। लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं मांगो, जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वही बुद्धिमान है, जो कृष्ण का भजन नहीं करता वो मूर्ख है, याद रखो। तो अभी प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं, भगवान मांगने के लिए बार बार कह रहे नहीं मांगूंगा तो नाराज हो जाएंगे भगवान, कहते प्रभु अगर आपने मुझे कुछ देना ही है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो, उसने बड़ा अपराध किया आपके चरणों में। देखो भक्त क्या मांग रहा है,
पिता जिसने कदम कदम पर प्रयास किया अपने पुत्र को मारने का, और पुत्र का कसूर किया था वो भक्त थे भगवान के। जो राक्षस वृत्ति है वो कभी भी भक्तों को नहीं देख सकती, वो भक्तों को मारना चाहते हैं। अभी राक्षस वृत्ति लोगों की बढ़ रही है, लोगों के पाप कर्मों के कारण। कल को फिर देखो ये महामारी क्या है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे ये हमारी कर्म है। होलसेल में कितने लोग मर रहे हैं अमेरिका में, पूरी दुनिया में बुरी हालत है। और निमित्त बना है चाइना, उसको श्रेय मिलेगा सबको मारने का, और हमें मारा जाएगा क्यों, हमारे पाप कर। Thank you.